हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन मेड। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद एक आज नया सेशन करने का मौका मिला है, तो इस सेशन के अंतर्गत जो है वो हम इस टूल की जो है वो मशीनिंग करने वाले। ठीक है, ये आप देख रहे हो टूल। ठीक है, एक टूल है CNMG, इसके अंदर हम ड्रिलिंग भी करेंगे और ये जो प्रोफाइल है वो कटिंग करेंगे, चैम्फर भी मारेंगे थोड़ा, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो सब सारी चीज़ें करने वाले। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो रुकिए, अदरवाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो भी रुकिए। ठीक है, अपडेट कीजिए, थोड़ा सा शार्प कीजिए और धारदार कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। तो यहाँ से हमने मशीन सेटअप करके रखा है BMC का, और हमारे पास एक स्टोक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने टूल देख लिया, और यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, पहले दिखा देता हूँ स्टोक आपको। ये जो है वो हमारे पास स्टोक है इस टाइप का। ठीक है, ये पूरा और ये थोड़ा स्टोक ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये सॉलिड है लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, ये रहा ना डीप, सही तो लग रहा है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं फिलहाल। BCM ही है, परफेक्ट है। BCM कर देते इसको डन। ठीक है, ओके, यहाँ से इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे, यहाँ से हो गया। आप देख रहे हो इस टाइप का जो है वो मटेरियल है, मतलब आप ये जो देख पा रहे हो लाइनिंग के हिसाब से, ये इतना मटेरियल जो है वो हमको रिलीव करना है यहाँ से। ठीक है, तो ये बंद कर देते हैं, ये रहा मटेरियल आपके सामने। और अगर हम इसको चालू कर देते हैं, स्टोक को बंद कर देते हैं, तो ये रहा आपके सामने टूल। ठीक है, तो ये अलग अलग है, और इसके अलावा मेरे पास और कुछ बहुत ही अच्छा है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको हम पकड़ेंगे सीधा वॉइस में, आप देख रहे हो ये। ठीक, और ये इसका आउटर कर्व है, तो ये हमको चाहिए नहीं अभी, क्योंकि यहाँ से जो स्टोक है वो मशीनिंग हो चुका है। ठीक है, तो ये वॉइस आपके सामने है, और इस तरीके से जो है वो इसका क्लैंपिंग है। तो ये यहाँ तक जो है वो हमारा पार्ट का इंपोर्ट करना, उसको सेट करना, ये कैसे सेट करते हैं अगर आप चाहते हो तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं एक अलग स्पेशल सेशन करने वाला हूँ। ठीक है, कि वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जो भी अपने पास अवेलेबल हैं उसको मास्टर कैम में परफेक्ट वेरिफिकेशन के लिए कैसे ऐड करें, और एक कोलेजन फ्री जो है वो टूल बाद हम जनरेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ से ये सब आपके सामने है, और यहाँ से एक लेवल जो है वो ऑन कर देते हैं, नहीं तो एक नया लेवल जो है वो यहाँ से क्रिएट करेंगे, और यहाँ से एक कर्व जनरेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको अभी मशीनिंग करनी है ये अंदर वाले यहाँ की, ये वाले भाग की हमको मशीनिंग करनी है। ठीक है, थोड़ा मॉडल है भी है, वॉइस भी है, तो इसमें थोड़ा लोड लेगा, इसके लिए इसको आराम से ही करना पड़ेगा। ठीक, और एक बार आपको एनालाइज करवा दूंगा मैं, ये नीचे का जो है, ठीक है, कितने का है। चलिए होम में आते हैं, डायनेमिक में आते हैं, और यही क्लिक कर देते हैं, कोई बात नहीं। 5 का डायमीटर है इसका, यहाँ पे मतलब हम 4 का जो है वो एंड व्हील चला सकते हैं आराम से। ठीक है, डन कर देते हैं और बाहर क्लिक करते हैं, ये वाला जो है वो चेक कर लेते हैं। ये 5.1 का है, मतलब यहाँ पे हम 6K टैपिंग करेंगे। ठीक है, ओके डन। अब चाहे तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से जो है ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ट्रिम में जाओ, यहाँ से टू एंटिटी ट्रिम सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो और ये सेलेक्ट करो। ठीक है, ज्वाइंट हो गया।
दिखाता हूँ मैं आपको। एक काम करते हैं, पहले वॉइस जो है वो बंद कर देते हैं, ठीक है, ये सब, क्योंकि वॉइस की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, हैवी पड़ता है ना इसकी वजह से। ये सर्कल को पकड़ के डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब ये जो है वो हमको यहाँ से एक जो इसका लाइनिंग था वो मिल गया, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रह जाता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कर्व यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, ये ठीक, ओके, डन हो गया। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छेका एंड बॉल लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमारा टूल सेटअप स्टार्ट होता है। टूल मैनेजर में आते हैं, यहाँ पे यहाँ से फिल्टर अप्लाई करेंगे, यहाँ से एंड व्हील है, एंड व्हील पे ओके कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको एक 5 का एंड व्हील चाहिए या फिर 4 का, फ्लैट एंड व्हील, डायमीटर 3 का तो नहीं चलेगा, 4 का चलेगा, 4 का एक ले लेते हैं और एक 6 का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ऐड करना है, 6 का ले लिया हमने यहाँ से, और हमको क्या चाहिए, एक ड्रिल चाहिए। ड्रिल कितने का चाहिए, यहाँ से इसको सबसे पहले लाओ यहाँ पे ड्रिल पे, इसको चेकआउट करो, इक्वल टू यहाँ पे हमको चाहिए 5 का, 5 का ड्रिल एक लेते हैं या 5.1 का ही ले लेते हैं, 5.1, क्योंकि यहाँ से हमारा दोनों काम हो जाता है। 5.1 का ड्रिल आ गया, ये 5.1 44 mm लेंथ, या इसको ले लेते हैं, छोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा, ये हो गया। अब एक काम और करते हैं, यहाँ से हम टैप भी चाहिए हमें 6 का, ठीक है, तो यहाँ पे 6 का टैप करते हैं, ड्रिल यहाँ से चेकआउट करते हैं, M6 का ये टैप भी आ गया, ठीक है, राइट हैंड का, तो ये मेरे यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एक चैम्फर टूल चाहिए, ये नहीं चाहिए, एक चैम्फर मिल चाहिए, इसको इग्नोर करेंगे, जो भी यहाँ पर रहेगा हमारा 10 या 12 का ले लेते हैं, ठीक है, एक चैम्फर टूल यहाँ से, डन। इतनी सारी टूलिंग लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे सेव, ठीक है। यहाँ से आते हैं, स्टोक सेटअप तो मैंने आपको दिखा दिया था ना, कि नहीं दिखाया था, यहाँ से सारी चीज़ें, हाँ दिखा दिया था। चलिए ये आपका मटेरियल और स्टोक जो है वो साथ में है, सेट करके मैंने रख दिया था। तो देखिए यहाँ तक तो लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि ये मशीन का सेटअप कैसे करते हैं। मशीन ये यहाँ से सेलेक्ट किया, बाद में टूल पाथ में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम एक छोटा सा टूल पाथ लेंगे, छोटा सा मतलब क्या है, यहाँ पे पॉकेट का, ठीक है। एक चेन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये वाली चेन हमको चाहिए। यहाँ से एक एंड व्हील लेते हैं, और कितने का लेना है हमको, 6 का। देखो जब अगर आप जब भी यूज करते हो ये हमारा टूल मैनेजर, अगर वहाँ पे आप टूल फिल्टर करके अप्लाई कर देते हो, तो क्या होता है कि यहाँ से जो भी सूटेबल टूल होता है वो हमारा यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है। सेकंड नंबर का टूल हमको चाहिए, उसने ले लिया, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है हमको। यहाँ से होल्डर एक ले लेते हैं कोई भी एक, और यहाँ से कटिंग पैरामीटर है ये, इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं, ठीक है। ओवरलैप, ये हमको मटेरियल कुछ भी नहीं चाहिए, हम रखेंगे ये नहीं स्टॉक, बाद में फिनिश मार देंगे जो भी हमको चाहिए होगा। रफिंग, स्पायरल इनसाइड टू 50% हमको चाहिए, हाई स्पीड पे रखते हैं। एंट्री मोशन, हेलिक्स की ज़रूरत नहीं है। फिनिश हमको नहीं चाहिए। लीड इन आउट ये भी नहीं चाहिए। डेप्थ ऑफ कट यहाँ से हम कर देंगे 0.5 या 0.3 कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं 0, की पुल डाउन कर देंगे, बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ पे जो फाइनल के लिए अगर आप चाहते हो एक पास मारे इस पास के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे फीट और स्पीड जो है वो यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो, आप देख रहे हो, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लिंकिंग पैरामीटर में आते हैं, सारी चीज़ एब्सोल्यूट करते हैं, फिट प्लेन को इसको हम करेंगे 1 mm, और यहाँ से जो है वो डीप सिलेक्ट कर लेते हैं, ये 5 mm हमको चाहिए ये, और ये हमको कोई भी और ऑफसेट चेंज नहीं करना है, बाकी ये सब छोड़ देते हैं, यहाँ से कर देते हैं ओके, ठीक है। ओके भाई क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार,
सेव करते हैं इसको, यहाँ से कर देते हैं ओके। ठीक, चलिए अब यहाँ से अप्लाई करते हैं, कॉपी पेस्ट ही करेंगे। यहाँ से एक 5 का एंड मिल लेते हैं, फ्लैट एंड मिल 4 का है ना ये, और ओके करते हैं। यहाँ से हम पास जो है वो थोड़ा कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, -4.5 से काटेंगे, जो भी साइड का मटेरियल होगा वो सब निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, 2 पास मारेंगे हम खाली, बस ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी मटेरियल होगा साइड का वो निकल जाएगा। और यहाँ से एक काम और करते हैं, ये आप जो देख रहे हो ये वाली चीज़, कटिंग पैरामीटर जो है वो आपको यहाँ से पैरल स्पायरल जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो हमने रख दिया यहाँ पे, इसको करते हैं डन यहाँ से, ठीक। ओके, तो ये हो गया, ठीक है, अब इसको इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक। अब हमको क्या चाहिए कि हमको चाहिए एक ड्रिल करना है, हमको एक ड्रिल यहाँ पे करना है, एक ड्रिल इसके अंदर करना है। तो यहाँ से हम करेंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर, एक ड्रिल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ओके ठीक, 5 का है, यहाँ पे हम 5.1 वाला ड्रिल जो है वो मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से देखो इसने ले लिया, हाँ ये दोनों सिलेक्टेड हैं हमारे पास, हमको करना ये वाला, ठीक है, 5.1 का ड्रिल हम करने वाले हैं, ये रहा आपके सामने। ठीक, कटिंग यहाँ पे हम यही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो चीप ब्रेक कर सकते हो, G73 वाली साइकिल या 83 वाली साइकिल, ये है, ये टेपिंग है, टेपिंग भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम पैक ड्रिलिंग पे पैक ड्रिलिंग सीधा ड्रिलिंग पे रखेंगे 81 पे, चाहो तो आप यहाँ से चिप ब्रेक कर दो 73 वाली, 3 mm का पैक है वो रख दो चाहे तो, या 1 mm रखो कोई दिक्कत नहीं। टूल एक्सिस हमारा वही 3 axis आएगा। लिंकिंग पैरामीटर ये जो है वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये जो अभी मैंने इनपुट किया ये रिट्रैक्ट वाली, ये हमारी R1 वाली जो वैल्यू होती है, या 1.5 या जो भी आप जितना चाहो अपडेट करना, कितने ऊपर से चलाना है वो जो है वो आपको यहाँ से ये डिसाइड करवा देता है, ठीक है। टिप्स सब सारी चीज़ें वही हैं, बाकी कुछ हम यहाँ से करेंगे नहीं। पानी जो है वो देखो चालू कर देना, ये अपने आप ऑटोमेटिक चालू कर लेता है। अगर आप यहाँ से सब सारे टूल्स जो है वो टूल मैनेजर में से सब डिफ़ॉल्ट सेट करते हो तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। आपकी प्रोग्रामिंग में कोई भी मिस्टेक होगी, एक ड्रिल हो गया, कोई भी मिस्टेक होती है तो वो संभाल लेता है, ठीक है। यहाँ से हम सिर्फ ज्योमेट्री जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना, सीधा बदल लेते हैं, ठीक है, ओके। ओ नहीं ले रहा है, ओके ले लिया 5.1 का, ठीक है। तो यहाँ से जो डीप है वो थोड़ा सॉरी यहाँ से बदलते हैं, ठीक है। टूल हमारा वही है, होल्डर वही है, यहाँ से लिंकिंग पैरामीटर वो बदल जाएगा, ठीक है। आर जो है वो इसके यहाँ से चालू होगा, और जो डीप है वो ये वाला पॉइंट पे सॉरी नहीं सिलेक्ट हुआ, 20 पॉइंट पे चालू होगा, ठीक है, 20 mm पे, ठीक है, नीचे तक। थ्रू जो है वो टिप कम्पनसेशन है, इसको थोड़ा सा 5 mm जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, या 3 mm, बाकी सब सारी चीज़ें जो है वो सही है, ठीक। ये हो गया,
अब हम चाहे तो एक चैम्फर सा टूल पाथ जनरेट कर सकते हैं या फिर टैपिंग कर देते हैं, ठीक है। नहीं, चैम्फर ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ड्रिल वाला टूल पाथ क्रिएट करेंगे, या फिर आप इन दोनों को जो है वो कॉपी पेस्ट कर लो, ये और ये, ठीक है। ये दोनों को सेलेक्ट करो और कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ से हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब ये जो वाला जो है ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चैम्फर नहीं मारेंगे, इसको डिलीट ही कर देते हैं एक्चुअली, डिलीट, ठीक। ये वाला जो है उस पर हम चैम्फर मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बदलते हैं पैरामीटर, ये जो है वो हम बंद कर देंगे, और यहाँ से टूल है चैम्फर का वो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, होल्डर, बाकी सब सारी चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ से चिप ब्रेक को सीधा ड्रिल में कन्वर्ट करेंगे, लिंकिंग पैरामीटर में -2 mm करते हैं, पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है वो आपको 1 mm कर देना है, बाकी यहाँ से आपको टूल जो है वो होल्डर आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, जगह तो रहती है भाई, ऐसा नहीं हो चैम्फर ही ना लगे, ठीक है। चैम्फर तो लगने वाला ही है, ठीक है। लेफ्ट करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको कहाँ जा रहा है ये। ओहो, नहीं गया ना, क्योंकि डीप जो है वो थोड़ा सा कम रखा है हमने भाई। डीप यहाँ से जाएगी, लिंकिंग पैरामीटर में आने के बाद आपको आना है यहाँ पे, यहाँ से माइनस करना है 3.2 या फिर 2 mm कर देते हैं, 5-7 mm, ठीक है। यहाँ से हो गया डन। ओके, आइसोमेट्रिक करते हैं इसको, यहाँ से थोड़ा ये बदल जाता है, इसको कर देते हैं टॉप। ये वाला हमारा चैम्फर हो गया, अभी हमको एक नया चैम्फर चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा टाइपिंग बचता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। यहाँ से एक हमको नया एज चाहिए, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कंटूर, और यहाँ से 3D में आते हैं और ये एज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। शिफ्ट क्लिक करोगे अगर आप शिफ्ट पे मतलब होल्ड करके क्लिक करोगे तो आपको जो टेंजेंट होगा वो आपको सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करते हैं,